प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की हिंदी पार्ट 13 बसंत के प्रश्नोत्तर। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बसंत का घर उजाड़ दिया वृक्ष लगाकर। बसंत में झूले डाले जाते हैं अमुआ पर, आम के पेड़ पर। बसंत के स्वागत में गीत गाती है कोयल। हरे भरे पेड़ कटने से अब पहले की तरह नहीं आता बसंत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बसंत आने पर हरियाली आती थी। कवि ने जंगल को जीवन कहा है। पत्तों के झुरमुर से कुहू कुहू धुन आती थी। बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती थी। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हरियाली कौन सी ऋतु लाती है? हरियाली बसंत ऋतु लाती है। बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं? बसंत में चंपा, चमेली और गेंदा के फूल खिलते हैं। अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आता? इसका उत्तर है क्योंकि लोगों ने हरे भरे वृक्षों से युक्त जंगल काट दिए हैं, इसलिए बसंत नहीं आता है। पूर्व की तरह बसंत कब आएगा? पूर्व की तरह बसंत अब तभी आएगा जब बंजर बनी हुई धरती पर पौधारोपण होगा, मतलब पौधे लगाए जाएंगे एवं उनकी नियमित रूप से सिंचाई, खाद देना एवं देखभाल होगी। क्योंकि पौधारोपण तो हो जाता है पर ये नियमित रूप से सिंचाई, खाद देना और देखभाल नहीं होने के कारण वो पौधे मर जाते हैं और धरती जो है बंजर की बंजर बनी रहती है। बसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? इसका उत्तर है बसंत में चारों ओर हरियाली हो जाती है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मोर मोरने नाचने लगते हैं। कोयल अपनी मधुर आवाज में कुहू कुहू करती है। चारों ओर खुशबूदार हवा बहने लगती है और मौसम खुशनुमा हो जाता है। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित पदांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। बहती थी मस्त मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। इसका भाव है मतवाली हवा बहने लगी थी, उससे पागल हुआ मन भी झूम उठता था। वन में मोर भी मयूरी अर्थात मोरनी के साथ नाचा करते थे। बोला बसंत फिर अब कहां आऊं मैं, कट गए वृक्ष सब कहां ठहर जाऊं मैं। इसका भाव है बसंत बोला कि मैं कहां पर आऊं, क्योंकि मेरे ठहरने के स्थान हरे भरे पेड़ पौधे थे, उन सबको तुमने काट दिया है, बताओ तुम्हें अब कहां ठहरूं। भाषा की बात। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। उजाड़, आंगन, हरियाली, झुरमुट। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। ये चमेली, 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 ये सही वर्तनी है। मयूर, 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 ये मयूर सही शब्द है, बड़ाव की मात्रा आएगी। जगल, जगलन, जंगल, ये सही वर्तनी है। उजाड़, 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 ये उजाड़ सही वर्तनी है। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो फूल के है पुष्प, कुसुम, सुमन, कोई भी दो याद करना है। मयूर, मोर, केकी, केका, जंगल, वन, अरण्य, कानन, पवन का वायु, समीर, हवा, वृक्ष का पेड़, पादप, झाड़। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां छाटकर लिखिए। तो देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह पंक्तियां हैं, जिसमें चंपा, चमेली रंग, इसमें चर्चा की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार।
गेंदा भी फूल के लिए है, इसमें कोई भी आवृत्ति नहीं है किस शब्द की। कुहू कुहू धुन आती थी, इसमें क क की आवृत्ति है। कहाँ ठहर जाऊं मैं, इसमें नहीं है। तरणी तनुजा तट कमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पे क क की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास अलंकार। सनस ये सत्य अशीष हमारी, यहाँ स स स की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास अलंकार वाली पंक्ति है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छाटकर लिखिए। आज मस्त पवन बह रही है, तो मस्त जो है विशेषण है, पवन जो है विशेष्य है। ख, बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो सुंदर जो है विशेषण है और फूल जो है विशेष्य है। ग, काली कोयल कू कू कर रही है, तो कोयल जो है वो क्या है, कोयल विशेषण विशेष्य है, और काली जो है वो विशेषण है। तो आपने देखा ये कक्षा 6 हिंदी पाठ 13 बसंत के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।